नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोन फ्री इंडिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप लोगों का सिविल डिफॉल्ट हो जाता है या आपने किसी ऑनलाइन ऐप से लोन लिया है और आप उसका टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो आपको ही पता है आपको कहीं से भी ऑनलाइन लोन नहीं मिलेगा। आज का हमारा ये टॉपिक है कि अगर हमारा सिविल जीरो है तो क्या हम ऑनलाइन लोन ले सकते हैं ना? अगर लोन ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमारी तरफ से रिस्क क्या रहेगा? ये आपका खुद का रिस्क है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपका सिविल डिफॉल्ट कर जाता है तो कोई भी एनबीएफसी जो आरबीआई रजिस्टर्ड है वो आपको लोन नहीं देगी। इसके लिए आपके पास बस एक ही जरिया है और वो जरिया है चाइनीज ऐप्स। अगर आप चाइनीज ऐप से लोन लोगे तो वो आपको जीरो सिविल पर लोन दे देंगे, बट उसके लिए आपको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप वो रिस्क लेना नहीं चाहते तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप चाइनीज ऐप से लोन लेते हैं और आपको लोन भी मिल जाए और ना तो आपके साथ कोई फ्रॉड हो ना कुछ भी हरेसमेंट हो, तो उसके लिए आप क्या करें। देखिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जब भी आप सिविल डिफॉल्ट कर जाओगे, आपका सिविल जीरो हो जाएगा, तो आप लोग ना, मुझे पक्का पता है 99% या 90% लोग चाइनीज ऐप्स के पास जाते हैं। अब लोग करते क्या है कि वो 7 डेज वाली ऐप होती है ना, उनसे लोन ले लेते हैं और फंसे आते हैं। तो देखिए, आपको अगर वहां से लोन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब ले, अन्यथा आप लोन ना ले, क्योंकि आपको ही पता है ये लोग साले हरेसमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। आपकी फोटो वायरल करने की धमकी और आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट इनके पास जाती है तो वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल भी करते हैं, गालियां बकते हैं, गंदे गंदे मैसेज करते हैं। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना, देखिए सबसे पहले जब भी आप कोई भी चाइनीज ऐप डाउनलोड करें तो सबसे पहले अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट और आपकी गैलरी और आपके मैसेज, जो भी वो ऐप परमिशन मांगती है वो सब कुछ हटा दें, और सब कुछ जो भी वो परमिशन मांग रही है ना वो आप नकली क्रिएट करें अपने फोन में। अगर आप नकली क्रिएट करेंगे तो उन लोगों को थोड़ी ना पता है कि ये आपका या नहीं है, उनको तो लगेगा कि भाई हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस है और गैलरी का है, SMS का है, और जो भी हमने परमिशन मांगी हमारे पास एक्सेस है, तो हम इन लोगों को लोन दे देते हैं। वो लोग लोन देते हैं आपके फोटो पे, आपके कॉन्टेक्ट पे, ना कि आपके सिविल पे, क्योंकि उन लोगों के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो आपका सिविल चेक कर सके। आपको पता है कि जब भी आप चाइनीज लोन से ऐप से लोन लेते हो, आपका सिविल कितना भी डिफॉल्ट हो, कितना भी आप डिफॉल्टर हो, उन लोगों की तरफ से अप्रूवल मिल ही जाता है आपको 7 दिन के लिए 3500 रुपए का। ये तो मिल ही जाता सभी को, और वो आपको भी पता है कि 7 दिन का वो 3500 रुपए नहीं देते, आपके अकाउंट में 2000 या 2500 रुपए आएंगे और 7 दिन बाद आपको 5000 रुपए भरने को कहेंगे। देखिए, अगर आपको इस चीजों से फ्रॉड से बचना है तो एक वीडियो में आपको लिंक आई बटन में दे रहा हूं, तो आप उसे पूरा देखने के बाद जब जाएं आप चाइनीज ऐप्स के पास, उसको देखने के बाद ना आपके साथ बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगा और आप लोग भी फ्रॉड होने से बचते रहोगे। अगर आप चाइनीज ऐप से लोन लेने जा रहे हो तो प्लीज बच के रहना। और आप लोगों ने जितनी वीडियो देखी है ना कि जीरो सिविल पे लोन, जीरो सिविल पे लोन, या तो वो झूठ बोलते हैं या फिर वो एक ही बात बताएंगे, चाइनीज ऐप्स, उन ऐप के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है जो आपको जीरो सिविल पे लोन दे दे। तो प्लीज दोस्तों, आप फ्रॉड से बच के रहिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है लोन लेना तो प्लीज जब ही जाए ना, तो ये वीडियो जो मैंने दी थी ना आई बटन में, और अभी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दी है, उसको देखे बिना आप चाइनीज ऐप से लोन लेने ना जाए, तो ठीक है दोस्तों। और एक और बात बता दूं, आप मेरे चैनल पर जुड़े हो, मैं आपको पैसे कमाने के भी तरीके बताऊंगा, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ऑन कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो चैनल के बगल में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपसे पर्सनल बातें कर लूंगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।